तो गाइस, एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन तैयार करने के लिए हम एक पुराने हेडफोन को यूज़ करेंगे। तो इस हेडफोन का इस हिस्से में माइक्रोफोन है, तो हमको इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर के मदद से उस पार्ट को खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर से एक माइक्रोफोन निकल के आया है। इस माइक्रोफोन को कंडेंसर माइक्रोफोन बोलते हैं। तो इसका आदर्श जो पार्ट है उसको हम कट कर लेते हैं। अब कुछ वायर्स भी बचे हैं तो उसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा कट कंप्लीट हो गया है। हमको सिर्फ इस पार्ट का ही ज़रूरत है। अब हेडफोन का जिस पार्ट में स्पीकर रहता है उस पार्ट के ऊपर जो ढक्कन है उसको हम खोल लेंगे, क्योंकि हमारे उस ढक्कन को ज़रूरत पड़ेगा। अब हेडफोन के जिस हिस्से में माइक्रोफोन था वो दो हिस्से लेंगे और उसके अंदर से जो माइक्रोफोन है वो कुछ ऐसी करके अटैच कर देंगे फेविक्विक के मदद से। अब आप देख सकते हैं हमारा जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। अब इसके ऊपर हम जो ढक्कन लिए थे उस ढक्कन को भी फेविक्विक की मदद से अटैच कर देंगे। तब देख सकते हैं वो ढक्कन भी बहुत ही अच्छी तरीके से फेविक्विक की मदद से अटैच हो गया है। अब हम एक ब्लैक कलर की क्लॉथ लेंगे। उस क्लॉथ के मदद से हम पहले जो स्ट्रक्चर तैयार करके रखा था उस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसी करके कवर कर लेंगे और फेविक्विक के मदद से अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम क्लॉथ को बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच कर दिए हैं। अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसे देखने लगेगा। तो इसको और भी अच्छे देखने के लिए हम ब्लैक टेप का यूज़ करेंगे। ब्लैक टेप के मदद से इसको कवर करने के बाद ये कुछ ऐसी करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो माइक्रोफोन है वो बनके पूरा तैयार हो गया है। इसका लुक भी अच्छा है। तो अब चलिए देखते हैं एक कैसा काम कर रहा है। तो आपने देखा हमारा जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है और इसका लुक भी अच्छा है। तो अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। तो आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।